अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीब जेरी और आप देख रहे हैं इस वक्त कलात वाइस न्यूज़ अपडेट्स। कलात में सियासी मैदान ठंडा, स्पोर्ट्स का मैदान गर्म हो गया। एक तरफ आल बलूचिस्तान आगा फजुरामा शाह फुटबॉल टूर्नामेंट तो दूसरी जानब छठा आल कलात शहीद बेनजीर भुट्टो लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में सनसनी खेज मैचेस जारी और सारी। कलात की वादी के खुशगवार मौसम का फायदा उठाते हुए म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन आगा फजुर्रहमान शाह और क्रिकेट के सीनियर प्लेयर कैप्टन अलाबश ने नौजवानों के लिए बेहतरीन टूर्नामेंट्स का आगाज करके मौसम गर्मा का मजा दुबाला कर दिया है। मीर अहमद यार खान स्टेडियम कलात में जारी पहला आल बलोचिस्तान म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन आगा फजुर्रहमान शाह फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में एक शानदार मैच सुर्ख रंग में मलबूज खालिकाबाद फुटबॉल क्लब और कलात फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने जारहाना खेल का मुजाहरा किया। दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल्स पे शदीद हमले किए, मगर इस मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जो कि खालिकाबाद ने 2-1 से जीत लिया। दूसरी जानब कलात में क्रिकेट का शौक रखने वालों के लिए पीपल्स क्रिकेट क्लब के सीनियर प्लेयर अल्लाह बख्श ने बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज कर दिया है। गुज़श्ते रोज दो बेहतरीन टीमें कलात की यंग काउंटी और शहीद सैफुल्ला क्रिकेट क्लब आमने सामने हुए। शहीद सैफुल्ला क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर में 173 रन का टारगेट यंग काउंटी को दिया, जबकि यंग काउंटी सिर्फ 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह 37 रन की सबकत से शहीद सैफुल्ला क्रिकेट क्लब कलात ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब तक के लिए बस इतना ही, देखते रहा कीजिए कलात वाइज़।